हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग फंडा। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं विस्कोसिटी। इससे पहले ऑलरेडी हमने यूनिट मास पढ़ लिया था और यूनिट वेट पढ़ लिया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ लिया था एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। एक वाटर लो आप और हनी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वाटर और हनी लिया मैंने, दोनों को एक फ्लूड के ऊपर, एक सॉरी सरफेस के ऊपर गिराओ, दोनों फ्लूड को एक सरफेस के ऊपर गिराया। मैंने ये देखा कि जो वाटर है इसको मूव करने में ये आसानी से मूव कर पा रहा है, और ये इसको मूव करने में थोड़ी सी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। बहुत धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहा है, मतलब ईजिली मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो पा रहा है? वो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि विस्कोसिटी जो है वाटर की जो विस्कोसिटी है वो हनी की विस्कोसिटी से क्या है, कम है। अब ये जो टर्म आपके दिमाग में आ रहा है ना, ये क्या विस्कोसिटी वगैरह, मतलब इसके पीछे जो है वो साइंटिफिक क्या है, मतलब साइंटिफिक बातें क्या है कि टेक्निकल बातें बताओ कि ये म्यू है क्या, कि ये विस्कोसिटी है क्या। आपने ये बता दिया कि वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है हनी से, या फिर हनी की विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, तो इसके बीच टेक्निकल क्या है, चलिए देखते हैं क्या होता है। सो विस्कोसिटी की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करता हूँ, विस्कोसिटी कुछ नहीं है। सपोज़ करो कोई मैंने फ्लूड लिया, वाटर ही ले लो आप, वाटर की मैंने ये बहुत सारे लेयर्स हो गए। कभी भी आपको पता है जो भी फ्लूड्स होते हैं वो लेयर बाय लेयर में ही फ्लो करते हैं। फ्लूड्स किस में फ्लो करते हैं? लेयर्स में फ्लो करते हैं, द लिक्विड्स की जनरली बात कर रहा हूँ। तो जब भी दो लेयर आपस में, एक ये लेयर हो गया मान लो, एक ये लेयर, मैं इन दोनों लेयर को ले रहा हूँ, ये दोनों आपस में क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। सपोज करो ये वाला जो लेयर है वो आगे की तरफ मूव करना चाहेगा, ठीक है। ये लेयर आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन ये लेयर क्या है, इसके ऊपर क्या लगा रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा रहा है। ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा रहा है, इसको रोकने नहीं दे, मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इसको रोक रहा है, ठीक है। टू लेयर ऑफ फ्लूड्स एग्जर्ट अ रेजिस्टेंस ऑन ईच अदर, ठीक है, एग्जर्ट अ रेजिस्टेंस ऑन ईच अदर, एंड दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है। इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इतना याद रखना है, दो लेयर जो है ये फ्लूड के, ये आगे बढ़ना चाहेगा लेकिन ये इसको क्या करेगा, रुकेगा। ये वैसे ही सेम, ये रुकना चाहेगा लेकिन ये वाला फ्लूड क्या करेगा, इसके ऊपर ये वाला फोर्स लगाएगा। सेम ये लेयर जो होगी इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगी, फिर इस लेयर को ये आगे की तरफ खींच रहा होगा। ऐसे ही जो है एक दूसरे के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स लगाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ये फिगर मैं बाद में बनवा दूंगा, ठीक है। तो अभी नॉर्मली आप डेफिनेशंस लिख लो विस्कोसिटी होती क्या है, क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो नॉर्मली फटाफट से लिख लो, टू लेयर ऑफ फ्लूड exerts force of resistance, बोल लो, या फिर exert, या फिर ऐसे कर लो, टू लेयर ऑफ फ्लूड्स resist, टू लेयर ऑफ फ्लूड resist motion, एक दूसरे के motion को क्या करते हैं, resist करते हैं, of each other, okay, and this fundamental property of fluid is known as viscosity, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। दो लेयर फ्लूड के एक दूसरे के मोशंस को क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी फंडामेंटल इसी रजिस्टेंस रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपके एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये जो रजिस्टेंस होता है, ये जो फ्लूड का मोशन का रजिस्टेंस होता है बेसिकली, ये क्यों होता है, वाई क्यों करते हैं, ठीक है। मतलब मोशन को ये रेजिस्टेंस क्यों करते हैं, तो मैंने बताया था ऑलरेडी कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लिख ही लो,
two layer of fluid resist motion of each other and this fundamental property of fluid is known as viscosity. और ये जो आपकी motion को resist करने की property होती है ये कहाँ से आती है, ये internal resistance होता है. ठीक है, internal resistance force जो मैं starting में लिखा रहा था उसको second point में लिख लो. It is due to internal resistance force. It is due to internal resistance force developed between the layers. आई होप कि दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे. ठीक है, मैंने कहा कि टू लेयर ऑफ फ्लूड रजिस्ट मोशन ऑफ इच अदर एंड दिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी. अब ये विस्कोसिटी को मतलब ये जो मोशन को रजिस्ट करते हैं ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, ये प्रॉपर्टी उनके इंटरनली एक फोर्स होता है जो कि वो इंटरनल रजिस्टेंस फोर्स होता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये मोशन को क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं. ठीक है, अब ये अब दिमाग में एक पॉइंट और आ गया होगा कि ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स सर आपने जो लिखा है ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप कहाँ से होता है. हाँ, और क्योंकि यहाँ तक तो समझ में आएगा मोशन को रेजिस्ट करते हैं, मोशन को रेजिस्ट करते हैं इसका मतलब उनके अंदर उसके पास कोई ना कोई फोर्स डेवलप हो रहा होगा. तो मैंने कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो रहा होगा. अब इंटरनल फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स जो डेवलप हो रहा है अब ये क्या है, दिमाग में आ रही होगी बात, तो ऑब्वियस सी बातें आएगी. देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स क्या है. ठीक है, चलो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स हो आप कहीं पे लिख लो. सॉलिड में पता है आपको, सॉलिड में ये जो फोर्स होता है वो होता है आपका कोहेशन. अब दिमाग में आ रहा है कि सर अभी कोहेशन नया वर्ड फिर कोहेशन आ गया, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है. कोहेशन पता है क्या होता है आपका, देखो दो वर्ड्स होते हैं कोहेशन और एडहेशन, दोनों नए वर्ड नहीं होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ. कोहेशन क्या होता है आपका, अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. और एडहेशन क्या होता है आपका, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. कोहेशन हो गया, अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर वाटर से मिलते हैं, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वाटर में चिपके हुए होते हैं तो वो क्यों होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ कोहेशन. ठीक है, और एडहेशन क्या हो गया, जैसे एक कोई टम्बलर ले लो, टम्बलर यानी ग्लास ले लिया मैंने, और वाटर के मॉलिक्यूल अगर ग्लास पे यूँ चिपके हुए हैं तो वो क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ एडहेशन. मतलब सिंपल की भाषा में कह सकता हूँ कि जो कोहेशन है वो आपका वो अभी भी फैशन में चला हुआ है. शुभ मंगल ज़्यादा सावधान आपने देखी होगी, और एडहेशन जो है वो सदियों से चला आ रहा है, ये परंपरा है हमारी. ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा कोहेशन अब ये भी नया फैशन में, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल एंड एडहेशन अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, तो मैंने कहा कि सॉलिड में क्या होता है, कोहेशन के वजह से विस्कोसिटी होती है. कैसे होती है ये भी देख लेते हैं, कोहेशन के वजह से कैसे विस्कोसिटी होगी सॉलिड में. तो अब सपोज करो, मैंने कहा था ना कि ये जो वाटर फ्लो करता है लेयर्स में फ्लो करता है, ठीक है ना. अब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पे इसका एक मॉलिक्यूल होगा, ये आगे जाना चाहेगा तो ये क्या बोलेगा, ये मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. इसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग में होंगे. जब ये आगे बढ़ना चाहेगा तो ये कहेगा कि नहीं, तुमको नहीं जाने दूंगा, मैं अपने पास ही रखूंगा. तो इट्स बिकॉज ऑफ कोहेशन, वो एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलेंगे. आर यू गेटिंग अ पॉइंट. ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, एक फोर्स डेवलप होगा. जो मैंने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा, क्यों होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ कोहेशन. ये सिर्फ मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, सॉलिड में ये कोहेशन के वजह से डेवलप हो गया ये फोर्स. इसने क्या किया, इसको रोका. ठीक है, इसने इसको रोक लिया. नेक्स्ट काम, अब जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा तो ऑब्वियस ये बात है, ये मूव करना चाहेगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए ना, तो वही रेजिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी का रूप देते हैं. तो सॉलिड में जो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलेंगे. तो इन केस ऑफ सॉलिड बेसिक कॉज
ऑफ विस्कोसिटी इज कोहेशन. ठीक है, नोट कर लेना. इन केस ऑफ सॉलिड बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इज, बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इज कोहेशन. अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. एक्चुअली मेरी आदत है बहुत तेज़ बोलने की, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे बोलने की आदत डालूंगा. ठीक है, तो बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन सॉलिड इज कोहेशन. बेसिक कॉज जो होती है विस्कोसिटी में क्या होती है, कोहेशन. और बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन, मैं सॉलिड बता रहा था क्या, सॉरी यहाँ पे लिक्विड कर लेना, गलती से सॉलिड बोल गया मैं. वाटर सॉलिड थोड़ी होता है भाई, वाटर क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है. ठीक है ना, तो गलती से निकल गया दिमाग पे, बार बार सॉलिड चल रहा था, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, लिक्विड क्योंकि फ्लूड हम पढ़ रहे हैं, फ्लूड में सॉलिड अब कहाँ से आ गया है ना. सॉलिड के बारे में जो डिस्कस करना था वो हमने फर्स्ट पार्ट में ही कर दिया. तो बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड इज कोहेशन, एंड बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेस. अब ये देखते हैं क्या होता है, इसको बोलते हैं हम रैंडमनेस, रैंडमनेस. अब रैंडमनेस क्या है, रैंडमनेस कह लो या फिर कह लो आप कोलिजन. ठीक है, कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कह सकते हो. अब ये देखते हैं रैंडमनेस और कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स क्या है. ठीक है, इसको देखने देखते हैं क्या होता है ये, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट तो कर ही चुके होंगे. मैंने यहाँ पे लिया गैस, गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, गैस में विस्कोसिटी कैसे होती है. ठीक है, गैस के पार्टिकल्स लिया मैंने. ठीक है, गैस के पार्टिकल्स, इनमें विस्कोसिटी कैसे. सर अब आप बोलोगे सर ये तो गैस तो लेयर बाय लेयर में जाते नहीं है, है ना, तो जब लेयर बाय लेयर में जाते हैं तो उनके अंदर कोहेशन भी कम होता है, तो फिर ये कैसे आपका जो है विस्कोसिटी क्रिएट करते होंगे. सिंपल सी बात है, गैसेस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो होगा तुम्हारा, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल किधर मूव करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल जो है किधर मूव करेगा आपको ये नहीं पता है. ठीक है, तो सपोज़ करो ये वाला मॉलिक्यूल जो इधर मूव कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, ये इधर, ये सब आपस में आके क्या करेंगे, टकराएंगे. ऑब्वियसली बात है टकराएंगे, टकराने की वजह से क्या होगा, कोलिजन होगा. और कोई भी चीज़ जब टकराती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है कि नहीं होती है, तो जब कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स होगा तो उनकी स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम होगी, और स्पीड को कम होना ही तो हम बोलते हैं कि विस्कोसिटी है. मतलब उनके मोशन रजिस्ट होंगे, मोशन रजिस्ट होगा किसकी वजह से, इंटरनल रजिस्टेंस फोर्स जो डेवलप हुआ है पार्टिकल्स के बीच में उसकी वजह से. और ये जो इंटरनल रजिस्टेंस फोर्स जो डेवलप हुआ है वो किसकी वजह से होता है, कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स या फिर उनके रैंडम मूव से, रैंडम से. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब बनाना चाहिए तो आप लिख सकते हैं बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेस आर कोलिजन और रैंडमनेस. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इसके पहले के जो वीडियोस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा. तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो नो स्लिप कंडीशन है. नो स्लिप कंडीशन क्या होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आगे हमें यूज़ करने वाले हैं. नो स्लिप कंडीशन देख लेते हैं भी क्या होता है. देखो नो स्लिप कंडीशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो. पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखवा देता हूँ. ठीक है,
सपोज करो ये एक लिक्विड है, ये लेयर बाई लेयर में क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। कैसे फ्लो कर रहा है, लेयर्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेयर्स और लेयर्स में ये लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है, सिंपल सी बात इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे इन सब की वेलोसिटी सेम थी, सेम वेलोसिटी से मस्ती करते हुए ये पार्टिकल्स जो है आ रहे थे। अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको बाद में समझेंगे ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है। ये फ्लूड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये सारे एक ही वेलोसिटी से, मान लो यू वेलोसिटी से या फिर यू इन्फिनिटी वेलोसिटी से, ये सब सब के सब मूव करते हुए आ रहे थे। अचानक से यहाँ पे मैं क्या, ये अभी तक इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, आराम से आ रहे थे। अचानक से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। एक प्लेट मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, इनके रास्ते में एक रुकावट। ये क्या एक प्लेट हो सकता है, ये इतना बस याद रखना, कोई सरफेस है जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में मैंने एक प्लेट लगा दिया। अब क्या होगा, सपोज करो जैसे ही ये वाला पार्टिकल इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, अभी तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो थी सेम थी, लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, इसकी वेलोसिटी तुरंत क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रहा, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया इसकी वेलोसिटी जीरो, अब वो यहाँ से हिल ही नहीं रहा है। मतलब पाँच दोस्त है, पाँचों दोस्त ट्रैवल करते हैं, अचानक से इस दोस्त की नज़र किसी और पर पड़ती है, जैसे ही किसी पर पड़ती है वो तुरंत वहाँ पर जम जाता है, उसकी नज़रें वहाँ से नहीं हटती है। मतलब वो रुक जाता है उसको उस चीज़ को देखने के लिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ वो जाम हो जाता है, मतलब यहाँ पे वो जाम हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा। पांच पार्टिकल्स मैंने नॉर्मली, ये जो पार्टिकल्स थे आपस में मूव कर रहे थे, जैसे ही लास्ट वाला लेयर है, फिर लास्ट वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आता है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं नो स्लीप कंडीशन। क्या बोलते हैं, नो स्लीप कंडीशन, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई, नो स्लीप कंडीशन क्या होता है, ठीक है। जब कोई पार्टिकल्स, जब भी कोई फ्लूड मूव कर रहा होता है, और जैसे ही उनके आपस में कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है, और जैसे ही लास्ट पार्टिकल की किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, एंड दिस इज नोन एज नो स्लीप कंडीशन, ठीक है। बस इतना ही जानना था, नो स्लीप कंडीशन क्या होता है, हमेशा याद रखना कि ये पार्टिकल जैसे इसके कॉन्टैक्ट में आएगा इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब और आगे देख लेते हैं, क्योंकि और डिस्कस तो वैसे कर रही है। ये पार्टिकल अब मूव कर रहा होगा, सपोज करो सब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, 10 मीटर पर सेकंड सपोज करना है, ठीक है। तो ये आया, इसकी वेलोसिटी जीरो, ये मूव ही नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला जब मूव कर रहा है तो भाई अपने दोस्त को देखेगा ना कि भाई ये कहाँ चला गया। ये पार्टिकल अपने दोस्त के बगल में था, आती है, देखेगा ना ये कहाँ चला गया। तो इसने अपनी स्पीड जो है कम कर ली, कितनी कम कर ली, सपोज इसने अपनी स्पीड कर ली 5 मीटर पर सेकंड, रुकेगा नहीं, ये रुकेगा सिर्फ ये वाला लास्ट पार्टिकल जो पहला होता है, ठीक है, और उसी कंडीशन को हम नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। ये नहीं रुकेगा, ये पार्टिकल कभी नहीं रुकेगा। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम एकदम घने जंगल में जा रहे हो, अचानक से सब साथ में चल रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है, और अचानक से तुम्हारा एक दोस्त गायब हो जाता है, तो भी तुम चल रहे हो और डर के मारे तुम्हारी हालत ख़राब है, तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, यार ये गया कहाँ, ऐसे देखते हो जाओगे ना, अबे ये कहाँ चला गया। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, ये रुकेगा नहीं, इसकी स्पीड कुछ रहेगी। नेक्स्ट पार्ट, अब जैसे ये पार्टिकल, ये भी सेम इसको, अरे यार इसकी स्पीड क्यों कम हो रही है, इसको कुछ मिल तो नहीं गया, तो ये भी अपनी स्पीड को थोड़ा कम करेगा। ये कितनी कर लिया, मान लो इसने 7 मीटर पर सेकंड कर लिया, वैसे ही ये भी अपनी स्पीड को कुछ कम कर लेगा, मान लो इसने 9 मीटर पर सेकंड कर लिया। अब लास्ट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट वाला अपने स्पीड से चलेगा, क्योंकि हल्का एक एक थोड़ा सा कम होता है, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसे थोड़ी पता है कि यहाँ पे कोई रुका हुआ है, तो ये अपने स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसके ऊपर जितने भी होंगे सब एक ही स्पीड से चलेंगे कि नहीं चलेंगे, 10 मीटर पर सेकंड से, या फिर यू इन्फिनिटी बोल लो। तो आप देख रहे हो एक नया पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इसको ट्रेस करूं, कुछ इस टाइप का पैटर्न दिख रहा है आपको,
यहाँ बढ़ा लो इसको, ठीक है, कुछ इस टाइप का पैटर्न दिख रहा है आपको। इसी को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये है आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल। ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल होती कैसे है तो ये देखना है आपको। देखो यहाँ इसके ऊपर जितने भी होंगे सब जितने पार्टिकल्स हैं सबकी वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ तक अगर बात करूँ तो ये है नॉन लीनियर प्रोफाइल। कैसी प्रोफाइल है? नॉन लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। इसके ऊपर की बात करता हूँ तो देखा होगा ये लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, इस चीज़ के कारण एक रीज़न डेवलप हो जाता है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई स्पीड में रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, इसके ऊपर वाले रीजन को हम बोलते हैं इनविस्किड रीजन। मतलब यहाँ पे विस्कोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है और इसको बोलते हैं विस्कस रीजन। ये पूरा रीजन कौन सा रीजन कहलाएगा? विस्कस रीजन, क्योंकि स्पीड कम हो रही है कि नहीं हो रही है, स्पीड को रेजिस्टेंस मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं विस्कस रीजन और इसको हम बोलते हैं इनविस्किड रीजन। ये प्रोफाइल कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, अब यही बनाते हुए चलना है। ये प्रोफाइल कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, बस इतना ही जानना है आपको, ठीक है। इनविस्किड रीजन का मतलब नो रेजिस्टेंस इन फ्लो, नो रेजिस्टेंस इन फ्लो, ठीक है। हाँ, तो बात करते नो स्लिप कंडीशन की, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया इसमें। नो स्लिप कंडीशन क्या होता है? तो नो स्लिप कंडीशन लिख लीजिए आप, ठीक है। नो स्लिप कंडीशन आपका होता है, इसको मैं मिटा सकता हूँ ना, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, यहीं पर लिखवा देता हूँ। तो नो स्लिप कंडीशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए यहाँ पे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लास्ट लेयर ऑफ फ्लूइड है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लास्ट लेयर का या फिर ऑफ द लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द, ठीक है, ऐसे देखो, आफ्टर कॉन्टैक्टिंग द सरफेस बिकम्स ज़ीरो, ठीक है, क्या बन जाएगा? बिकम्स ज़ीरो या फिर गोज टू ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। सरफेस के रिस्पेक्ट में जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी किसकी? लेयर की, वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। लिख लीजिए आप इसको, नोट कर लीजिए नो स्लिप कंडीशन क्या होता है। अच्छा, ये रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आया ना? नहीं आया समझ में, तो ये भी समझ लो। जैसे मैंने कहा था, जब मैं एक प्लेट इंट्रोड्यूस करूँगा, ये भी तो मैं एक फ्लूड में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस प्लेट को, है ना, तो ये भी किसी ना किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसका ये होगा, तो ये भी फ्लो कर रहा होगा और फ्लूड के पार्टिकल भी क्या कर रहे होंगे? फ्लो कर रहे होंगे यहाँ पे, है ना, ये फ्लूड के पार्टिकल भी फ्लो कर रहे हैं। तो जब ये वाला पार्टिकल इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है, तो इस सरफेस के रिलेटिव, ठीक है, इस सरफेस के अकॉर्डिंग इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। बाकी फ्लूड के पार्ट की, तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव करेगा, ये सरफेस के साथ तो मूव करेगा ही, लेकिन इस ऑन रिलेशन टू दिस सरफेस द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज ज़ीरो। बात समझ में आ गई? इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म यूज हुआ है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लेयर आफ्टर कॉन्टैक्टिंग द सरफेस गोज टू ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, दिस कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे पढ़ते हैं। आई होप कि
कि आपको समझ में आ रहा होगा. विस्कोसिटी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझेंगे. और जो ना समझ में आए आप मुझे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, फिर भी यहाँ लिख देता हूँ 800-400-1814. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. विस्कोसिटी आपको समझ में आ गया, नो स्लिप कंडीशन भी समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब देखते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन. मैंने एक बात कही थी, न्यूटन्स ने विस्कोसिटी के लिए एक फॉर्मूला दिया, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. जैसे कि सॉलिड की बात करूँ, सॉलिड आप जानते हो, सॉलिड में हुक्स लॉ बहुत ही फेमस है. सॉलिड में हुक्स लॉ बहुत फेमस है. हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. तो मैंने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्ट्रेन, और ये स्ट्रेस जो होता है इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंटू ई, ये स्ट्रेन स्मॉल ई, दैट इज इक्वल टू ई, यहाँ पे क्या होता है आपका यंग्स मॉडुलस. तो सॉलिड में यंग्स मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. लेकिन वही केस ऑफ लिक्विड की मैं बात कर रहा हूँ, लिक्विड में ये तो सॉलिड में किसने दिया था, ये हुक्स लॉ दिया था. देखो कनेक्ट करना सीखोगे तो अपने आप ही आपको आ जाएगा हुक्स लॉ. हुक्स लॉ ने क्या कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो फ्लूइड के लिए भी कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, बिल्कुल है. फ्लूइड के लिए एक प्रॉपर्टी दिया था न्यूटन ने, और न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन ने कहा था कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई टी टी, या फिर डी फाइव बाई डी टी जो मैंने लिखवाया था वहाँ पे, टी थीटा बाई डी टी कर लो या फिर डी फाइव डी टी, सेम थिंग. शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन. क्या होता है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, और अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैं अभी इसको फिर से प्रूफ कर दूंगा कि रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है. तो मैंने कहा कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, और ये अगर मैं यहाँ से टाउ का, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाऊंगा तो ये एक म्यू का टर्म आ जाता है, म्यू डी थीटा बाई डी टी, है ना. और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है म्यू, यहाँ पे क्या होता है विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है. ये क्या पढ़ रहे हैं हम, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी. अब ये जो डी थीटा बाई डी टी है ना, इसको हम डी यू बाई डी वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है. दिस डी थीटा बाई डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है. अब ये डी यू बाई डी वाई क्या है, इसको भी अब डिस्कस करते हैं. तो मतलब यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, एंड देन टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है. ओके, तब बात करते हैं डी यू बाई डी वाई की, ठीक है, कि डी यू बाई डी वाई आया कहाँ से और ये है क्या चीज़. ओके, तो सबसे पहले मैं इसको रब कर रहा हूँ. ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपने पढ़ लिया होगा कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, एंड फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद यहाँ पे म्यू कोफिशिएंट आता है, इसी कोफिशिएंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है. ये किसने दिया था, ये ऑब्वियसली न्यूटन ने दिया था, ठीक है. पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये डी यू बाई डी वाई आया कहाँ से, ठीक है. वो फिगर के बाद मैं फिर से ड्रॉ करूँगा, एक्चुअली मैं भूल गया था उसको बताना, कि मैंने कहा था कि बहुत सारे पार्टिकल एक साथ आ रहे हैं ये, ठीक है, और इसको अचानक से लास्ट वाले पार्टिकल को एक यहाँ पे सरफेस मिल जाता है. सरफेस मिलने के कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, नो स्लिप कंडीशन. ओके, उससे पहले वाले की वेलोसिटी कुछ होगी, इसके बाद वाले की भी वेलोसिटी कुछ होगी, है ना. इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, और इसके बाद वाले की वेलोसिटी होगी कुछ, इसके बाद वाले की वेलोसिटी होगी, इसके बाद वाले की वेलोसिटी होगी. अब मैं इसको एक मिला दिया था मैंने, और ये एक कर्व बन गया था ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे ही बना था. ठीक है, समझ में आ गया. यहाँ पे मैंने कहा था कि सबसे ऊपर वाली की वेलोसिटी यू इन्फिनिटी होती है, यू इन्फिनिटी.
सपोज करो इस वाले की वेलोसिटी कितनी है, ये यहाँ पे ये वाला जो लेयर है इसकी वेलोसिटी यू है, चलो मैंने मान लिया यहाँ पे यू है, तो ऑब्वियस ही बात है इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ होगा कि नहीं होगा, ऊपर वाले वेलोसिटी में कुछ तो चेंज हुआ होगा, तो ये इसकी वेलोसिटी यू थी तो इसकी यू प्लस डी यू, यू प्लस डी यू मान लो, ठीक है, तो यू प्लस डी यू, डी यू किसके बराबर होगा आपका, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये सी स्ट्रेट लाइन, आई होप कि आपको क्लियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन को यहाँ से यहाँ मैंने ड्रॉ किया तो डी यू यही पार्ट होगा, इतना ही पार्ट, तभी तो ये यू और ये डी यू, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ऐसे लिख लो यू प्लस डी यू, ठीक है। अब सपोज करो ये डिस्टेंस इस तरफ वाई का है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी वाई है, इन दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी वाई है। अब इसको मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अब जूम कर रहा हूँ तो समझिएगा आप क्या, मैंने कहा कि ये एक लेयर है इसकी वेलोसिटी यू प्लस डी यू है, दूसरा लेयर ये है इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये यही डी वाई होगा आपका क्या, और ये आपका डी यू होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है यू प्लस डी यू था, ये डी यू था, ठीक है, वेलोसिटी की बात हो रही थी, यहाँ पे ये डी वाई था, ठीक, अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ यू टी, इसको भी मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया टी से मल्टीप्लाई करने से, देखो ध्यान से, डी टी टाइम में ये यहाँ पे था, ये डी टी टाइम में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यू टी प्लस डी टी, इतना याद रखो, इसको मिटा के फिर से बता दो, बना रहा हूँ आपको, मैंने कहा कि ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड ये यू प्लस डी यू के वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, इतना ही आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी वाई था। अब इसको जूम करके फिर से बनाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो यू प्लस डी यू इंटू डी टी, और ये आपका u इंटू डी टी, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करते हैं ये डी वाई है, ठीक है, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका du dt, है ना, क्योंकि टोटल था ये आपका u dt, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा du dt हो जाएगा, और ये आपका dy है ही, इसको और जूम करके देखो, ये आपका du dt और ये आपका dy है, इतना तक तो क्लियर है, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ से मैं tan थीटा निकालता हूँ तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, डी यू डी टी अपॉन डी वाई, tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan ये d थीटा मान लो इसको, ठीक है, तो tan d थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका डी यू डी टी बाई डी वाई, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ तक तो क्लियर हो गया डी यू डी टू बाई डी वाई। अगर tan थीटा बहुत ही स्मॉल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी थीटा इक्वल टू डी यू डी टी बाई डी वाई, यहाँ देख लो डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, डी यू डी टी बाई डी वाई, अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डी थीटा बाई डी 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 टी इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, लो भाई प्रूव कर दिया मैंने कि डी थीटा बाई डी यू जो होता है, डी टी जो होता है वो आपका डी यू बाई डी वाई के बराबर होता है, ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ध्यान देना है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ सीयर डिफॉर्मेशन बोलते हैं या फिर रेट ऑफ स्ट्रेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डी यू बाई डी वाई को, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या फिर इसी को एक नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया होगा तो बढ़िया है, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, आ गया, गुड,
तो यहाँ से मैंने अभी प्रूफ किया कि टाउ जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी थीटा बाई डी टी के, ठीक है। इसका मतलब टाउ किसके प्रोपोर्शनल होगा, डी यू बाई डी वाई के। और ये डी वाई बाई डी किस क्या होता है, तुम्हारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कह लो या फिर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कौन सी विस्कोसिटी होती है, ये होती है आपकी डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी, इसके बाद एक और विस्कोसिटी का नाम आने वाला है काइनेमेटिक, ठीक है। ये जो म्यू है ना, ठीक है, म्यू की डिस्कस करते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये जो म्यू हमने लिखा ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। म्यू जो होता है आपका, लिख लो आप, म्यू इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। म्यू आपका क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता होगा, ये डिपेंड करता है आपका कि फ्लूड कैसा है, ठीक है, फ्लूड पे डिपेंड करता है। जैसे हनी और वाटर का एग्जांपल दिया था, तो फ्लूड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अदर प्रॉपर्टीज लाइक आपका उसका प्रेशर कितना दिया जा रहा है, टेम्परेचर कितना दिया जा रहा है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ किसी भी चीज़ की तो उसकी विस्कोसिटी भी फ्लूड की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सब कैसे होगा कि हमें देखना कि इन दोनों का इफेक्ट, मतलब म्यू जो होता है आपका ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं है। म्यू इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब ये चेंज हो सकता है, यानी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका फ्लूड पे, कि कैसा फ्लूड है और अदर प्रॉपर्टीज। फ्लूड प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा ही करेगा, और टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन के एक टर्म की, कि जैसे अभी चीज़ एक प्रूफ करूंगा मैं, कि जब मैंने कहा था कि जो धीरे धीरे जब हम ऊपर जाते रहते हैं तो ऊपर जाने के बाद से विस्कॉस जो एक नॉन विस्किड इनविस्किड रीजन आ गया था, मतलब जहाँ पे विस्कोसिटी का इफेक्ट बहुत कम था, वो कैसे डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कहा कि ये जो फ्लूड पार्टिकल्स है जब मूव करते हुए आ रहे थे, देखो इसका हर जगह यूज़ करूँगा मैं इसी फ्लूड पार्टिकल्स का। एक पार्टिकल जो है आपका सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ गया, ये सरफेस के कॉन्टैक्ट में आया, इसकी वेलोसिटी तुरंत जीरो यानी नो स्लिप कंडीशन। उसके बाद से धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जो है ऐसे कुछ इंक्रीज करती है, कुछ ऐसे बनता है फिगर। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, ये डी थीटा की, ये डी थीटा होता है हमारा, डी थीटा वन मान लो, यहाँ पे भी स्लोप होगा कोई ना कोई, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये एक स्लोप बनेगा, इसको भी मैं बोलूँगा मान लो ये तुम्हारा डी थीटा टू है। सेम वही अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप करूँ तो डी थीटा थ्री, और यहाँ पे स्लोप तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, धीरे धीरे जो स्लोप्स हैं, देखो आप ध्यान दोगे तो धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहे हैं, कम होते हुए जा रहे हैं। ये स्लोप इस पे बनेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डी थीटा वन होगा वो आपका ग्रेटर देन डी थीटा टू होगा, विच इज़ ग्रेटर देन डी थीटा, ठीक है। ये पॉइंट आप इसके यहाँ पे बना के लिख लीजिए, और नोट में पॉइंट लिखना है कि मैक्सिमम स्लोप जो वेलोसिटी की होती है वो उसकी कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। तो आपको ऑलरेडी पढ़ा आपने कि टाउ इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे शियर स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, है ना, समझ में आएगी बात। ये पॉइंट नोट कर लो फटाफट, डी थीटा वन जो मैक्सिमम स्लोप, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना आप, मैक्सिमम स्लोप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल, जो इस वेलोसिटी प्रोफाइल का जो मैक्सिमम स्लोप होता है वो कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है, इज एट सरफेस। मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। मैक्सिमम स्लोप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल इज एट सरफेस। अभी निकाल लेते हैं मैक्सिमम स्लोप ऑफ जो होता है वो क्या होता है,
एट सरफेस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एट सरफेस। सरफेस पे बेसिकली क्या होगा उसको आप नोट कर लेना, एट सरफेस की अगर बात करता हूँ तो सरफेस पे हमारा ये जो ये डायरेक्शन जो होता है वाई का होता है, डिस्टेंस है ना ऊपर की तरफ, तो वाई यहाँ पे कितना होगा जीरो। तो एट सरफेस वाई इक्वल टू हमारा कितना हो गया जीरो। जब हमारा वाई इक्वल टू जीरो हो गया और उसमें कौन कौन सी चीज़ें बच जाती, तो यहाँ वाई इक्वल टू जीरो हो गया, डी थीटा वन जो सबसे ज़्यादा होता है यानी डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा मैक्सिमम एट वाई इक्वल टू जीरो, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू मैक्सिमम। इसका मतलब मैंने यहाँ से प्रूफ किया था डी यू बाई डी वाई भी जो हमारा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा कहाँ पे जनरेट होगा, तो ऑब्वियस ये बात है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा सरफेस पे ही होगा। देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल इज एट वाई इक्वल टू जीरो, कहाँ पे होगा वाई इक्वल टू जीरो, और टाउ जो होगा आपका उसको हम बोल सकते हैं टाउ मैक्स। एट वाई इक्वल टू जीरो टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स, ठीक है, जिसको हम टाउ नॉट से भी डिनोट करते हैं। और टाउ नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो टाउ नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू डी यू बाई डी वाई मैक्स कह लो या फिर एट वाई इक्वल टू जीरो, ये नोट कर लेना आप। इसको नोट करने के बाद उसको नोट करना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी में इसकी यूनिट क्या होती है, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको पता है कि टाउ इक्वल टू होता है म्यू डी यू बाई डी वाई, ये आपका क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यहीं से निकालेंगे इसकी यूनिट, ठीक है ना। तो टाउ किस में होता है आपका, यहाँ से हमें यू की म्यू की वेलोसिटी निकालनी है, तो म्यू की सॉरी म्यू की यूनिट निकालनी है। तो हमको पता है म्यू इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ टाउ डी यू बाई डी वाई, इस वाई को मैं ऊपर लेता गया, टाउ की यूनिट होती है। टाउ क्या है एक तरह से स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने टाउ। डी यू की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी, भाई वेलोसिटी तो है डी यू, और y की वेलोसिटी क्या होगी मीटर, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल, ये सेकेंड जो है ऊपर जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसी को अगर मैं एम के एस में बात करूँ तो इस साइड लिखता हूँ, मैं एम के एस सिस्टम में बात करता हूँ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कितनी होगी। तो एम के एस सिस्टम में के जी आपको पता है, न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ के जी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना, पढ़ा था हमने ऑलरेडी। उसके बाद आपका ये बचा सेकेंड स्क्वायर और इंटू के जी से के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कितना बचा सेकेंड, था ये हो गया, ठीक है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया न्यूटन, और सेकेंड मीटर स्क्वायर पर, तो न्यूटन की जगह पे मैंने क्या रख दिया के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू रख दी, ठीक है, न्यूटन की जगह पे मैंने क्या रख दिया न्यूटन इक्वल टू क्या होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, कैसे निकाला था ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये कितना आ जाएगा एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, यानी के जी मीटर सेकेंड, के जी मीटर सेकेंड, राइट, और के जी मीटर सेकेंड इसी को हम क्या बोलते हैं और हाँ के जी मीटर सेकेंड हो गया। अब इसी का देखते हैं सी जी एस में कितना होता है, सी जी एस में के जी को मैं ग्राम लिख सकता हूँ, एम को क्या लिख सकते हैं और सेकेंड को ग्राम मीटर, एम को सेंटीमीटर लिख सकते हैं और इसको सेकेंड को सेकेंड लिख सकते हैं। इसको मैं क्या बोलूँगा, ये हमारा होता है वन पॉइज। तो जब भी क्वेश्चन में पूछे कि वन पॉइज इक्वल टू वॉट, तो ऑब्वियस ही बात है आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। वन पॉइज जो होता है आपका ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ठीक है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी चल रहा है।
ठीक है, सी जी एस में हमने पढ़ लिया, एम के एस में हमने जान लिया. वन पॉइज, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, वन पॉइज इक्वल टू पॉइज इज अ यूनिट ऑफ म्यू, ठीक है, मतलब यूनिट ऑफ विस्कोसिटी. वन पॉइज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है. अच्छा, इसको मैं पास्कल सेकंड में चेंज कर सकता हूँ क्या? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड को अगर मुझे पास्कल सेकंड में चेंज करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, ये भी देख लेते हैं अभी, ठीक है. ये आपने लिख लिया होगा, इसको भी मिटा रहा हूँ मैं. वन पॉइज इक्वल टू, मैंने कहा कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, इसका मतलब 10^-3 kg मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो आ जाएगा 10^ मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, से कैंसिल करोगे, कैंसिल आउट किया तो ये कितना आ गया, 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, -1 बचेगा, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10^-1 इसको हम 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं. किलोग्राम पर मीटर इक्वल टू कितना होता है, पास्कल, और इसी पास्कल सेकेंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल सेकेंड, यानी 0.1 पास्कल सेकेंड. तो याद रखना, 1 पॉइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड. एक ही जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है. मैं इसको मिटा रहा ओके. तो विस्कोसिटी में लगभग हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए. एक नोट लिखना है आपको, विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है. तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर निकालना है कितने डिग्री सेल्सियस पर, हमें 20 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है. विस्कोसिटी ऑफ वाटर हमें 20 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है. ये कितनी होती है, 1.002 सेंटीपॉइज, कितनी होती है, ये नोट कर लो आप, लिख लो 1.002 सेंटीपॉइज, ठीक है. और लगभग लगभग हम इसको मान के चलते हैं 1 सेंटीपॉइज. 1 सेंटीपॉइज का मतलब कितना होता है, तो 1 सेंटीपॉइज का मतलब होता है 10^-2 पॉइज. 10^-2 पॉइज, 10^-2 पॉइज का मतलब कितना हो गया, 0.01 पॉइज. ये लिखते रहो ना आप, 0.01 पॉइज, इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं पास्कल सेकंड में कन्वर्ट कर दूँ, 0.001 पास्कल सेकंड. ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है. यहीं पे नोट नंबर 2, विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होती है आपकी 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो होती है 0.018 सेंटीपॉइस. इसको भी आप याद करना, क्योंकि इससे लगभग 50 टाइम्स होती है, ठीक है ना, 0.0183 सेंटीपॉइस. इसको आप लिख नोट कर लीजिए, 0.0183 सेंटीपॉइज. कैसे पता मुझे वो, कि ऑब्वियसली बात है, जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, वो आपके एयर के विस्कोसिटी के कितने गुने होते हैं, आप मल्टीप्लाई करके खुद देखोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 50 to 55 टाइम्स. ये देखो 1.002 था, और ये आपका कितना है, 50 to 55 टाइम्स म्यू ऑफ एयर. इसको याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट,
50 टू 55 टाइम्स है ये। नोट कर लीजिए फटाफट। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 50 टू 50 टाइम्स 55 टाइम्स ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ तक कंफर्म। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा? हमने पढ़ा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर हम उसी को बोल सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि म्यू जो होता है आपका, म्यू आपका यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि म्यू आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर? फ्लूड के प्रॉपर्टी के ऊपर और अदर प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपकी विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो मैंने बताया विस्कोसिटी की यूनिट जो होती है आपकी एम के एस सिस्टम में कितनी होती थी? किलोग्राम मीटर सेकंड में होती है, और सी जी एस में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। उसके बाद मैंने उसको हम वन पॉइज भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को हम वन पॉइज भी बोलते हैं। और वन पॉइज आपका किसके इक्वल होता है? वो आपका इक्वल होता है 0.1 पास्कल सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, अब मैंने एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट बताया कि जो म्यू ऑफ वाटर होता है वो 50 टू 50 टाइम्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, मतलब हल्का ये एयर जो है इजीली मूव कर पाता है और वाटर थोड़ा सा उसको दिक्कत होती है मूव करने में। क्यों होता है इस वजह से? क्योंकि जो विस्कोसिटी होती है वाटर की वो 50 या 55 टाइम्स आपकी एयर से ज़्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो ऑलरेडी मैंने बताया कि 1.002 सेंटीपॉइज होती है वाटर की और 0.0183 सेंटीपॉइज होती है आपकी एयर की। आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट सबके क्लियर होंगे। तो हम नेक्स्ट, ये अभी जो हमने ख़त्म किया इसको हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? डायनामिक विस्कोसिटी यानी म्यू जो था हमारा क्या था? डायनामिक विस्कोसिटी था। इसके बाद एक और आता है आपका, उसको हम बोलते हैं काइनामेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, कि काइनामेटिक विस्कोसिटी क्या है वो देखते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है ये आपका रेशियो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज़ द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी न्यू इज़ द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूड। यानी कि मैं बोल सकता हूँ न्यू जो होता है वो आपका म्यू अपॉन रो होता है। नोट कर लीजिए आप, म्यू होता है जो आपका म्यू अपन रो होता है। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ न्यू तो यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ऑलरेडी आपको पता है कि न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था केजी मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? केजी पर मीटर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? विस्कोसिटी यानी म्यू की। यहीं पे कर लेते हैं इसकी यूनिट। ठीक है, तो केजी पर मीटर सेकेंड म्यू हो गया। यहाँ पे रो की कितनी हो जाएगी? रो की होती है आपकी मास यानी केजी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस केजी से इस केजी को कैंसिल करो, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल करो, स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो होगी आपकी यूनिट होगी किसकी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। ठीक है, ये किस में होगा? ये एमकेएस में हो गया। एमकेएस में जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी को मैं सीजीएस में कर रहा हूँ। यहाँ पे सीजीएस में इसको क्या लिख सकता हूँ? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये किसके बराबर होता है, वन, इसी को बोलते हैं स्टोक्स, वन स्टोक के बराबर। ठीक है, तो वन स्टोक किसके बराबर होता है, आपका वन स्टोक जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है, और इसको हम बोलते हैं, ये जो वन स्टोक होता है आपके किसके बराबर हो जाएगा, आप 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के भी बराबर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे मैंने बताया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। फिर मैंने बताया कि डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, और या म्यू की विस्कोसिटी किलोग्राम मीटर क्यूब होती है, उसके बाद से रो की वेलोसिटी, रो की यूनिट जो होती है। फिर यहाँ से एम के एस में हमने इसकी यूनिट निकाली मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सी जी एस में हमने निकाली सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसको हम वन स्टॉक बोलते हैं, और यहाँ पर 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक नोट लिखवाते हैं इसके बारे में, यहीं पे नोट नोट यहाँ पे लिख लेते हैं। नोट है विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होता है आपका, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होता है आपका एट 20°C कितना होता है, वो होता है आपका 0.01 स्टोक्स। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि डायनेमिक विस्कोसिटी, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होता है एट 20°C वो होता है आपका 0.01 ही है, तो वो होता है 0.152 स्टोक्स। कितना होता है, 152 स्टोक्स, 0.152 स्टोक्स। देख रहे हो कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो लगभग लगभग कितने टाइम्स होता है, तो ये आपका विस्कोसिटी ऑफ डायनेमिक, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होता है आपका वो अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स होता है काइनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ये वो पॉइंट भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो कभी भी अगर विस्कोसिटी को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि किसकी विस्कोसिटी जो है कंपेयर है, जैसे मान लो किसकी विस्कोसिटी कितनी है, जैसे मैंने हनी का एग्जांपल लिया था वाटर का, अगर मैं हनी और वाटर को उस सरफेस पर गिराता नहीं तो आप उसको देख के कभी नहीं बता सकते थे कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो कितनी है। मैंने गिराया तब आपको पता चला कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है, तो मतलब जब तक वो फ्लो नहीं कर पा रहा, अगर कंटेनर में कैप्ट है, चुपचाप रखा हुआ, स्टेशनरी है, तब आप उसकी विस्कोसिटी को नहीं बता सकते, लेकिन जब तक अगर वो फ्लो कर रहा है तो आप उसको देख के बता सकते हो कि किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, किसकी विस्कोसिटी कम है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा केस है, यहाँ पे जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, वाटर से। कितने टाइम्स होता है, 15 टाइम्स होता है, और जबकि डायनेमिक विस्कोसिटी में मैंने बताया था कि वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो 50-55 टाइम्स होती है किसकी, एयर की विस्कोसिटी की। ठीक है, यहाँ तक आपको होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियराइजेशन। अब धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये नोट कर लीजिए, लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ये देखते हैं ध्यान से। ये फ्लूड का पार्टिकल्स हैं, फ्लूड का लेयर है जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, सपोज करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट है, इंट्रोड्यूस किया मैंने, एक नीचे प्लेट है,
एक प्लेट ऊपर है, दूसरा प्लेट नीचे, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं आप आगे। मैंने कहा था कि जैसे ही ये सपोज़ करो एक पार्टिकल यहाँ पे भी है, जैसे ही ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ जो कुछ पार्ट जो होता है, तो बेसिकली कैसा होता है, कुछ पार्ट जो इसका होगा, इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है लगभग, मैंने जो अगर 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 ये नहीं होता, ठीक है, अगर ये प्लेट यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया होता, तो इसकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है वो कितनी बनती। तो इसकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है वो कुछ ऐसे बनती, नॉन लीनियर बनती, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, एक पार्टिकुलर जगह पे, एक पार्टिकुलर जगह पे मैंने क्या कर दिया, एक प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, और प्लेट को इंट्रोड्यूस करने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगी कुछ लीनियर बनेगी, कुछ ऐसा बनेगी, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल होता है चेंज जो होता है, ऐसे देखो यहाँ पे, ये सीधी लाइन है, डी थीटा, ठीक है। अगर ये वाई का डायरेक्शन था, इसको मैं इसकी हाइट मान सकता हूँ एच, ठीक है। और ये कैसा ग्राफ बनेगा, एक लीनियर बनेगा, ठीक है। इसको ये हुआ कैसे, एक मूविंग प्लेट ऊपर है, एक दूसरा मूविंग प्लेट नीचे है, इसके अंदर मैंने ये फ्लूड होगा, ठीक है, जो भी फ्लूड्स के पार्टिकल्स होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, लीनियर। जब इनके बीच का जो वाई है बहुत ही कम होगा, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब ये हम बनाते थे, इसकी प्रोफाइल बनाते थे ये प्लेट, तो लगभग लगभग देखो ये, अगर मैं इतने पार्ट्स की बात करूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या एकदम लीनियर ही है, लगभग लगभग क्या है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली लीनियर रहेगा। तो मैं छोटे पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे देखो, इतनी बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं, यही वाली जो डिस्टेंस है, इतनी जिससे डिस्टेंस अगर होगी, अगर मतलब अगर ये हाइट जो है काफ़ी स्मॉल होगी, व्हेन हाइट इज सो स्मॉल, मतलब कितनी होनी चाहिए हाइट, लगभग लगभग मैं बोल सकता हूँ 1 mm टू 10 mm, 1 mm से 10 mm के बीच में अगर मैं होगी, तो मैं इसको लीनियराइज कर सकता हूँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये लीनियर होगा, ठीक है। तब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, लीनियर स्लोप होगा। कैसा स्लोप होगा, लीनियर स्लोप। अब हमेशा नहीं बोल सकता, अगर ये हाइट जो है इसको मैं लीनियर बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये हाइट जो है बहुत कम है, कितनी है, 1 mm से 10 mm के लगभग है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी आपकी जो हाइट हो वो 1 mm से 10 mm के बीच में हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ मैं, कि लीनियर करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये प्लेट जो है रेस्ट पे है, प्लेट एट रेस्ट, ये मूविंग प्लेट है, मूव कर रही है, ठीक है। ये तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिनियराइजेशन किया, क्यों किया, यहाँ पे लिख लो व्हेन एच इज वेरी स्मॉल, तभी करेंगे लिनियराइजेशन। कितना होना चाहिए, 1 mm टू 10 mm, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये डी थीटा हो गया, ये प्लेट रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू ज़ीरो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाउ कितना होगा, इस प्लेट पे जो है आपकी टाउ कितनी होगी, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इस प्लेस पे यू ज़ीरो यानी विस्कोसिटी ज़ीरो है ना, इस प्लेस पे यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब विस्कोसिटी भी कितनी होगी, ज़ीरो। अब इस प्लेस की बात करते हैं, इस प्लेट की बात करते हैं, यहाँ पे टाउ कितना होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, टाउ मैक्सिमम होगा, टाउ एट प्लेट मैक्सिमम वो कितनी होती है, डी यू बाई डी वाई, राइट। नाउ एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे जानना है, जब भी क्वेश्चंस में आपको दो प्लेट दिए होंगे और उनके बीच में कोई फ्लूड भर दिया जाएगा, क्वेश्चंस आपको ऐसे ही दिया जाता है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उनके बीच में कोई फ्लूड भर दिया गया है, तो इसका मतलब वहाँ पे आपको डायरेक्टली टाउ निकालने के बोलेगा, तो आपको आप इसको लीनियर कर चुके हो, डी थीटा इसको कर चुके हो, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, टाउ नॉट की वैल्यू लिखनी है, टाउ मैक्सिमम की, टाउ मैक्सिमम तो यहीं पर होगा क्योंकि प्लेट यहाँ पर वेलोसिटी जीरो जा रही है और डी थीटा यहाँ पर मैक्सिमम है, तो टाउ नॉट यहाँ पर मैक्सिमम होगा, वो कितना होता है, म्यू इक्वल टू डी वाई या फिर डी यू बाई डी वाई, है ना। डी वाई की जगह मैंने क्या रखा है, एच रखा हुआ है,
तो हम dy की जगह पे h रख लेंगे वैल्यू, और म्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, म्यू तो म्यू ही रहेगा, du की जगह पे क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे जीरो है वेलोसिटी, यहाँ पे u मैक्स है, राइट तो u मैक्स माइनस ज़ीरो, यानी ये लगभग इसको u मान लो तो u माइनस ज़ीरो और यहाँ पे h, तो कितनी हो जाएगी टाउ नॉट इक्वल टू म्यू इंटू यू बाई एच। हमेशा ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देंगे, डी यू बाई डी एच लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ओके। कभी कभी ना ड्रैग फोर्स भी पूछ लेता है कि ये जो ड्रैग फोर्स लगा रहोगे, जो मूविंग प्लेट है आपका, ठीक है, ये कितना फोर्स लगा रहोगे, चाहे इसके ऊपर ये जो आपका ये जो वाटर है इसके ऊपर मूव कर रहा होगा, तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो ड्रैग फोर्स अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर एफ डी ड्रैग फोर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ये टाउ है ना, टाउ नॉट में हमें क्या कर देना है, एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। टाउ कितना था, म्यू इंटू यू बाई एच इंटू एरिया, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो होगी नहीं आपको, ठीक है। इसके बाद हम इस पर जो भी इस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी के ऊपर, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होने वाला है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इस पर क्या होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल वाले लेक्चर्स में।